हेलो फ्रेंड, बिजनेस मंथा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम बिजनेस आइडियाज, मोटिवेशन, मार्केटिंग, पब्लिसिटी, अर्न मनी आदि के बारे में जानकारी देते हैं, जो नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। फ्रेंड्स, आज हम जानकारी दे रहे हैं महिलाओं से संबंधित प्रोडक्ट सेल करने के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम जानकारी दे रहे हैं महिलाओं से संबंधित प्रोडक्ट सेल करने के बारे में। इस बिजनेस को आप किसी भी छोटे बड़े शहर में महिला या पुरुष कर सकते हैं। लेडीज़ प्रोडक्ट की लंबी रेंज है। लेडीज़ वेयर, अंडरगारमेंट, साड़ियाँ, फुटवेयर, मेकअप एंड ब्यूटी प्रोडक्ट, एसेसरीज, इमिटेशन ज्वेलरी आदि में किसी एक या एक के साथ कई का चुनाव कर उन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। दिल्ली के एक होलसेल विक्रेता के अनुसार लेडीज़ के कुछ आइटम तो ऐसे होते हैं जिनमें आप 200 से 300 प्रतिशत तक की बचत पा सकते हैं। लेडीज़ प्रोडक्ट सेल आप कई तरह से कर सकते हैं। महिलाएं घर के बचे टाइम में अपने घर से या आसपास के घरों में जाकर सेल कर सकती हैं। शॉप खोलकर इन्हें सेल कर सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट द्वारा सेल कर सकते हैं। खुद की वेबसाइट बनाकर भी आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। इन लेडीज़ प्रोडक्ट्स में सबसे अधिक बिकने वाला आइटम है साड़ी। आप साड़ियों की सेल लगा सकते हैं। खासकर त्योहारों के दिनों में साड़ियों की सेल लगाकर कुछ ही दिनों में अच्छी कमाई कर सकते हैं। सेल की साड़ियों के लिए सूरत होलसेल मार्केट काफ़ी अच्छा है। यहां आप 100 रुपये की साड़ी लाकर 200 से 300 रुपये में बेच सकते हैं। महंगे डिजाइनर साड़ियाँ घरों में जाकर या ऑफिस में जाकर सेल कर सकते हैं। डिजाइनर साड़ियाँ दिल्ली के सदर बाजार से काफ़ी कम दामों में लाकर सेल कर सकते हैं। यहाँ आपको टीवी सीरियल व फिल्मों में दिखाए जाने वाले डिजाइनर साड़ियों की कॉपी वाली साड़ी काफ़ी कम दामों में मिल जाएगी। लेडीज़ प्रोडक्ट में इमिटेशन ज्वेलरी की काफ़ी डिमांड है। दिल्ली में यह काफ़ी सस्ते दामों में मिल जाते हैं। इन्हें आप अपने शहर में अच्छी कीमत में बेच सकते हैं। बेचने के साथ साथ इमिटेशन ज्वेलरी किराए पर देकर भी काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। इनके अलावा लेडीज़ फुटवेयर, बेल्ट, बैग, घड़ी, सनग्लास, गॉगल्स तथा अन्य एसेसरीज की भी काफ़ी डिमांड है। शॉप शुरू कर आप इन्हें सेल कर सकते हैं। इनका ऑनलाइन मार्केट में भी काफ़ी अच्छी डिमांड है। इनके अलावा लेडीज़ फुटवेयर, बेल्ट, बैग, घड़ी, सनग्लास, गॉगल्स तथा अन्य एसेसरीज की भी काफ़ी डिमांड है। शॉप शुरू कर आप इन्हें सेल कर सकते हैं। इनका ऑनलाइन मार्केट में भी काफ़ी अच्छी डिमांड है। इन्हें ऑनलाइन भी आप सेल कर सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट आइटम लेडीज़ों द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता है। हैंडीक्राफ्ट आइटम काफ़ी बिकते हैं। यदि आप इन्हें तैयार कर लेते हैं तो इसके द्वारा काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। जो तैयार नहीं कर सकते वे होलसेल मार्केट से लाकर इसे सेल कर सकते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट लेडीज़ में काफ़ी पॉपुलर है। ब्रांडेड या नॉन ब्रांडेड ब्यूटी प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। पुरानी दिल्ली सदर बाजार स्थित दल्ली मारन ब्यूटी प्रोडक्ट का सबसे सस्ता मार्केट है। यहां से काफ़ी सस्ते दामों में ब्यूटी प्रोडक्ट लाकर इन्हें अपने शहर में सेल कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट की शॉप खोलकर इन्हें सेल कर सकते हैं। ब्यूटी पार्लर जाकर इन्हें सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप इन्हें सेल कर सकते हैं। नायका अपने वेबसाइट के माध्यम से ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर सालाना करोड़ों रुपए कमाती है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है लेडीज़ आइटम बिजनेस के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उन्हें बिजनेस से संबंधित जानकारी में रुचि है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि बिजनेस मंथा चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए बिजनेस मंत्रा के साथ। नमस्कार।